वेलकम टू सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैं हूं आदेश द्वारे। आज हम पढ़ने वाले वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, वर्क वो होता है जो एक पार्टिकल्स को कुछ भी कर रहे हैं अपन, ये हाथ हिला रहा हूं मैं, ये वर्क कहलाता है ना। ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल को मैं इधर ले जा रहा हूं, फिर इधर ला रहा हूं, फिर यहां ला रहा हूं, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म वर्क, एनर्जी ट्रांसफॉर्म, है ना। सीधी बात बोलते हो, इसको अपन एक डेफिनेशन में बोलेंगे, वर्क इज द मेथड टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी। वर्क एक मेथड है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि अपने को वर्क करने के लिए एनर्जी लगेंगी, जब एनर्जी नहीं रहेंगी तो हम वर्क कैसे करेंगे। करके तो अपन कुछ भी करने के लिए खाना खाएंगे तभी तो कुछ करेंगे, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तभी तो चलेंगी, एनर्जी तो लगती है उसको पेट्रोल के लिए, मतलब एनर्जी के लिए पेट्रोल लगता है। वर्क इज मेथड टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी टू वन टू मूव वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और ट्रांसफॉर्म एनर्जी टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होने के लिए। ट्रांसफ़र वो होता है जैसे ये है, इसने इसको हिलाया, ये हो रहा है ट्रांसफ़र, ये इसको वर्क दे रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र, एनर्जी दे रहा है इसको, वो भी ट्रांसफ़र कहलाएगा। और ट्रांसफॉर्म वो होता है जैसे ये है, ये हिल रहा है, ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल हिल रहा है, इसमें एनर्जी जनरेट हुई, ये खुद हिल रहा है, इसे ट्रांसफॉर्म बोलेंगे अपन। फिर अपन क्या बोलते हैं, और जो वर्क है ना उसके लिए एनर्जी ज़रूरी है, जब बताया भी मैंने करके, अगर वर्क है तो और एनर्जी रहेगी, मतलब एनर्जी रहेगी, एनर्जी है तो वर्क है, और वर्क एनर्जी नहीं है तो वर्क भी नहीं रहेगा। सीधी बात ना, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो कहाँ गाड़ी चलाओगे आप, धक्का मारोगे बस, वो भी वर्क एनर्जी कहलाएगा, धक्का मारोगे तो। तो उसके बाद अपन बोलते हैं जो वर्क और हीट होता है, वो कंसिडर्ड नहीं होता है एज अ वर्क, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एनर्जी, उस पर एनर्जी क्या बोलेंगे अपन, जैसे मैंने अभी अभी कहा वर्क और हीट जो रहता है वो एनर्जी नहीं है, मतलब एनर्जी में कंसिडर्ड नहीं होता। और जो जो है, अपन सीधा डेफिनेशन बोलता हूँ यार, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, वर्क एंड हीट इज़ कंसिडर्ड नॉट एज एनर्जी, इनफैक्ट दे आर दी मैथड टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने को हीट और वर्क लगता है, मतलब सीधा बोलेंगे उसका वे है, रास्ता है, वो हीट और एनर्जी, हीट और वर्क एनर्जी का रास्ता है, सीधी बात। इसके बाद क्या, तो मैं आपके लिए लिखा हूँ सिंपल डेफिनेशन वर्क की, एकदम सिंपल सीधी बात। इफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, टेक प्लेस बाय यूजिंग फोर्स, फोर्स का यूज़ करके, फोर्स का यूज़ करके अगर एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो और उससे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, देन मेथड इज नोन एज वर्क, इस मेथड को अपन वर्क कहते हैं। और हीट में अपन जाएंगे, इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विदाउट यूजिंग फोर्स, अगर किसी एनर्जी का अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट यूजिंग फोर्स, तो और उसे अपन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अपन उसमें फोर्स का यूज़ नहीं कर रहे, फोर्स नहीं लग रहा है ना उसमें, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करके उसे अपन हीट बोलते हैं, देन दिस मैटर इज नोन एज हीट। मैथमेटिकली वर्क डन अपन तब बोलते हैं जब फोर्स उसमें अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाइड होता है, डिस्प्लेसमेंट उससे प्रोड्यूस होता है, और उसका जो एंगल बनता है 90 डिग्री के अंदर बनता है, एंगल जो है वो 90 नहीं बनना चाहिए, 90 नहीं बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 90 से कम, यानी थीटा उसका जो रहेगा इस नॉट इक्वल्स टू 90 रहेगा। और उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसमें फोर्स मूव्स होना चाहिए,
अपन सीधी बात बोलते हैं, उसका वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा अपने को ही आ जाएगा यहाँ से एंगल, जो भी एंगल रहेगा उसमें, और फोर्स जो पार्टिकल में लगेगा, जैसे कोई ब्लॉक में फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट की आपको सिंबल तो मालूम ही होगा, ऐसा होता है। डिस्प्लेसमेंट के आपको सिंबल तो मालूम होगा, ऐसा होता है, तो वही है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। आज बस इतना ही, आगे का पढ़ने के लिए अपन बाद में देखते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो।